गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम सिंह। स्टडी अकाउंट विद शुभम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम लोग एक नया इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कल की क्लास में जो हमने बताया वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व किया था, ठीक है। तो जरा इलस्ट्रेशन नंबर 4 को पढ़ना शुरू करते हैं। सर कुछ नया? कुछ भी नया नहीं है, बस 2 केसेस दिए हैं, शांति से इसको निपटा देते हैं, कहानी खत्म। जरा क्वेश्चन पढ़िएगा। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3, ठीक है सर जी। सी वॉज एडमिटेड विथ 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही टुक। कहता है सी का एडमिशन हुआ है, कहा गया है कि 7 में से 3 लड्डू तुमको देंगे, यानी 3/7 शेयर के लिए। मतलब फर्म में जितना प्रॉफिट होगा ना उसका 7/3 या 3/7 हम देंगे उसे, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। कहता है इसको जो 3/7 मिल रहा है ना, तो वो 2/7 ए देगा और 1/7 बी देगा। सर कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट न्यू PSR, कह रहा है कि नया PSR आप कैलकुलेट करो। बहुत ही आसान है, जितना आसान आप सोच रहे हो उससे आसान है। जरा इसको देखते हैं हम लोग। पहले ए का ओल्ड शेयर कितना था सर? 7/10। ए का, मिस्टर ए का ओल्ड शेयर कितना था आप बताओ? देखो 7/10 ही तो था ना, और मिस्टर बी का 3/10। तो जरा देखना आप क्या करेंगे। मिस्टर ए का ओल्ड शेयर था 7/10, इसमें से हमने देखना जरा, इसमें से मिस्टर ए ने 2/7 शेयर ए को दे दिया। तो इनका जो शेयर है 7/10, ये जो 7/10 इनका शेयर है, इसमें से 2/7 माइनस कर दे हम, कहीं कोई समस्या आए क्या? अरे भाई इनका 7/10 ओल्ड PSR था, इसमें से कहता है कि 2/7 इन्होंने मिस्टर सी को दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7/10 में से जो इन्होंने दे दिया उनके में से माइनस कर दो 2/7। बहुत आसान है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 7 7 49, 10 2 20, दोनों का एलसीएम ले लेना 70, सॉल्व कर लो, 49 - 20, 29/70 आ गया। इसी तरह बी का कैलकुलेट कर लो, बी का ओल्ड शेयर था 3/10, इन्होंने 1/7 मिस्टर सी को दे दिया। तो जरा बी का देखना, बी का था 3/10 माइनस 1/7 दे दिया, तो 1/7 माइनस हो गया यहाँ से। अरे आपके पास अगर 10 लड्डू है, आप ही बताओ, अगर आप, हम कहते हैं आपके पास 10 लड्डू है, ठीक है, उसमें से आप 2 लड्डू हमें दे दिए, तो 10 में से 2 माइनस कर दें हम। सेम उसी तरह यहाँ भी किया गया है, 7/10 इनका शेयर था, 2/7 दे दिया, तो 2/7 माइनस हो गया। अब मिस्टर बी का भी 3/10 शेयर था, इसमें से 1/7 इन्होंने दे दिया, तो 1/7 हमने माइनस कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 7 3 = 21, 10 1 = 10, 21 में से 10 गया 11, दोनों का एलसीएम 70, तो 11/70 आ गया। मिस्टर सी का कितना शेयर है? मिस्टर सी देखो 2/7 इनसे ले रहे हैं, 1/7 इनसे ले रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली प्लस कर दो, 3/7 आ गया, ठीक है, 2 1 3 7 7 7 ही रहेगा। कहीं कोई समस्या? नहीं सर जी कोई समस्या नहीं। अब ये जो नया PSR कैलकुलेट होकर के आया, इसे थोड़ा अच्छे से लिख ले कहीं। हाँ सर, मिस्टर ए का है 29/70, मिस्टर बी का है 11/70, मिस्टर सी का है 3/7। अब सर जरा देखिए, ये डिनोमिनेटर इन दोनों का तो सेम है मगर इनका अलग है, तो इनका भी 70 करना पड़ेगा। इनका डिनोमिनेटर 70 करने के लिए क्या करें? सर 7 को 70 बनाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ऊपर वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो जरा देखना नया PSR क्या हो गया, 29/11/30/7। हमें नहीं लगता कोई समस्या होगी। चलिए केस नंबर बी हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है राम श्याम आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5, कोई दिक्कत नहीं। कहता है मोहन को एडमिट किया गया है 1/6 शेयर के लिए, मतलब 6 में से 1 लड्डू ये खाएगा, कोई समस्या नहीं है। Which he took 1/24 from Ram and 1/8 from Shyam. कहता है कि राम इनको 1/24 देंगे और श्याम 1/8 शेयर देंगे, कोई समस्या नहीं सर, जैसे हमने इसको किया वैसे इसको भी कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखना, राम का ओल्ड शेयर था 7/12, 7/12 में से राम जो है, जो आ रहा है पार्टनर यहाँ पे, कौन एडमिट हो रहा है? मोहन। राम का ओल्ड PSR है 7/12, मोहन जो आ रहा है राम, उसके फेवर में कितना जो है अपना शेयर सरेंडर कर रहा है, तो सर 1/24,
इसका मतलब सर जैसे पहले वाले में माइनस किए थे वैसे इसमें भी करें, बिल्कुल क्या दिक्कत है। देख लो राम का नया पीएसआर कितना हो जाएगा, राम का ओल्ड पीएसआर था 7/12, 7/12 इनका ओल्ड था, मिस्टर राम ने मोहन के फेवर में 1/24 शेयर अपना सरेंडर कर दिया, इसका मतलब राम में से जो है 1/24 माइनस कर देंगे हम, तो 7/12 माइनस 1/24। अब देख लेना ये दोनों नीचे के कट रहे हैं, जब तक कटेंगे तब तक इसको काटो, पहले 6 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर कटेगा 3 1 3 3 2 6, यानी यहाँ 1 बचा यहाँ 2 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 7 2 14, उसके बाद इधर कितना था 1 1 1 14 माइनस 1, और 12 24 का एलसीएम 24 ही रहेगा, तो 14 में से एक गया, 13/24 आ गया। ठीक, ये देखो जब तक ये दोनों कटते हैं ना तब तक इनको काटना आप, मगर काटने से पहले एलसीएम पहले यहाँ ले लेना, उसके बाद इनको काटना, उसके बाद जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। हमने किया तो 13/24 आया। इसी तरह जो है मिस्टर श्याम का कैलकुलेट कर लेते हैं, इनका ओल्ड पीएसआर था 5/12, इन्होंने 1/8 जो है मोहन को सरेंडर कर दिया, तो इनके 5/12 में से 1/8 माइनस कर दो। फिर यहाँ पे देखो नीचे का कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, ये 2 से काटेंगे तो 6 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 3 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। अब देखना 3 2 कटेगा नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 2 10, 3 1 3, 10 में से 3 गया 7, और 12 8 का एलसीएम 24 रहेगा, तो 7/24 आ गया। कहीं कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। मोहन का शेयर कितना था सर, 1/6 इनका शेयर था ना इनका, देखो लिखा हुआ है मोहन का शेयर कितना है, मोहन इज एडमिटेड ऑन 1/6 शेयर इनका था, मगर अब हमने देखा कि इसका डिनोमिनेटर 24, इसका डिनोमिनेटर 24, इसका डिनोमिनेटर 6 है, तो यानी अब 6 को 24 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 4 से, तो यानी एक को भी ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4/24, तो 13:7:4, देखो 13:7:4। हमें नहीं लगता कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं, नहीं सर जी कोई समस्या नहीं। देखो भाई जितने पीएसआर के क्वेश्चन हो सकते थे हमने सॉल्व कर लिए, अगर अब आप बताओ तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कराते रहें, नहीं तो हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ें। हमें नहीं लगता कोई समस्या होने वाली है पीएसआर में, ज़्यादा से ज़्यादा बस इसी लेवल का क्वेश्चन आना है पीएसआर का, कहो तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करा दें, वरना हमें नहीं लगता कोई ज़रूरत है अब। ठीक, जितने क्वेश्चन हो सकते थे हमने सॉल्व कर लिए, ये सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके रखो, और अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, इसका काम हो गया, जितना हमें ये इसे कर सकते थे उतना हमने इसे कर लिया, ठीक है ना, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें नहीं लगता। मेन देखो जो हमने पहला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व किया था ना, अपनी नोटबुक पीछे पलटो, देखो पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, हर क्वेश्चन जब आप फुल फ्लेजर क्वेश्चन करोगे ना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का जब फुल फ्लेज आप क्वेश्चन करोगे तो उसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे आपके, उससे हाई लेवल का नहीं रहेगा, पीएसआर वगैरह जब कैलकुलेट करने को देगा ना तो उसी लेवल का रहेगा, इतना भयंकर नहीं देगा, ये समझ लो ये बहुत बहुत भयंकर वाला है, ये इतना भयंकर विशाल काय नहीं देगा, वो आसान सा देगा एकदम, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोगों ने देख लिया यहाँ तक, बहुत है इतना, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, अब बाकी आप लोग कहोगे तो आगे हम करा देंगे, कमेंट करके बताना हमें, ठीक है ना। हाँ सर जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, आप लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक 2 मिनट का ब्रेक लो तो एक नया टॉपिक हम पढ़ाएं। हाँ जी चलिए एक और क्वेश्चन है, छोटा सा इलस्ट्रेशन नंबर 10, इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ नया नहीं है, बस इसको थोड़ा सॉल्व करके ना 2-3 चीज़ें हैं आपको पता चलेंगी, करने का तरीका कह लो पता चलेगा, ठीक। तो इस इलस्ट्रेशन को पढ़ने से पहले हम मोटा मोटी बता देते हैं, इस इलस्ट्रेशन में आपको प्रॉफिट दे रखा है और कहता है कि नए पार्टनर का एडमिशन करो और जो प्रॉफिट है उसको उन चारों में डिस्ट्रीब्यूट करो, सर कर लेंगे बहुत ही आसान है, ठीक। तो जरा क्वेश्चन पढ़िएगा, जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, कहता है राम मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म, राम मोहन पार्टनर थे इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिट सीता एंड राधा एज अ न्यू पार्टनर, राम सेक्रीफाइज 1/3 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सीता, जो सीता को मिल रहा है ना शेयर वो राम देगा और मोहन सेक्रीफाइज 1 बाय
हाफ शेयर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ राधा। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं सर। प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू ₹360,000। 360,000 का प्रॉफिट है। कहता है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान देना, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जरा देखना है एक, इसको हम थोड़ा हिंदी में बता दें क्वेश्चन को। कहता है क्वेश्चन में कि राम और मोहन दो पार्टनर थे, इन्होंने इनका PSR था 3:2, इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम राधा और सीता को अपने फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट करेंगे। उसके बाद जो सीता को शेयर देना था, अब जाहिर सी बात है ये दोनों एडमिट हो रहे हैं तो इन दोनों को कुछ देना होगा हिस्सेदारी, तो जो सीता को हिस्सेदारी दी जानी थी वो राम देगा। कितना देगा? अपने शेयर का 1/3, अपने शेयर का 1/3, देखना जरा। और जो सीता को दी जानी है, सॉरी राधा को जो हिस्सेदारी दिया जाना है वो मोहन देगा। कितना? 1/1.5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। समझना बात को, राम देगा सीता को, मोहन देगा राधा को। राम लेगा सीता को, मोहन लेगा राधा को, चलो छोड़ो, देगा मतलब हिस्सेदारी। ठीक है, राम जो है सीता को देगा, मोहन राधा को देगा। कई लोग होंगे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, गंदा दिमाग शैतान का घर आप लोग का, और क्या। ठीक है, तो यहां देखते हैं कौन किसको दे रहा है, राम दे रहा है सीता को, मोहन दे रहा है राधा को। तो ठीक है सर जी, नया PSR कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले देखना जरा, लफड़ा होगा यहाँ पे अभी, थोड़ा थोड़ा सा लफड़ा, बहुत हल्का मामूली सा लफड़ा होगा अभी। कहता है कि राम का ओल्ड शेयर, समझना बात को, राम का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5, यही तो है ना। हाँ सर जी, कोई समस्या नहीं, 3/5 है ना, 3 × 2 = 5, राम का 3/5 है और मोहन का है 2/5। राम का है 3/5, मोहन का है 2/5। अच्छा, राम कितना सरेंडर कर रहा है आप बताओ? सर उसका जो शेयर है ना, उसका 1/3, यानी 3/5 का 1/3 शेयर अपना सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ सीता। ठीक है, राम अपने 3/5 शेयर का 1/3 हिस्सा सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ सीता। तो सर 3/5 इसका शेयर है, तो इसका 1/3 कितना हुआ? तो जरा इसको कैलकुलेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। 3/5 का 1/3 हिस्सा सरेंडर कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं आपसे कि आप जो है, आपका शेयर, आपके पास 3 लड्डू है, आप उसका 1/3 हिस्सा हमें दे रहे हो, तो इसका मतलब 1 लड्डू आप हमें दे रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका शेयर राम का कितना है? 3/5 शेयर है, इसका 1/3 सरेंडर कर रहा है। तो सर आखिर 1/3 कितना? तो जरा देखना, 3/5 का 1/3, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले काट करके देखो कटता है। हाँ सर, ये क्रॉसली कट रहा है, 3 3 कट गया, ये 1 बचा, ये 1 बचा। अब देखो 1 1 = 1, ये नीचे 5 रहेगा। इसका कहने का मतलब है 1/5 शेयर, देखो आया ना, 3/5 का 1/3, तो कितना? 1/5 हुआ ना। नॉर्मली देख लो, अगर ये नहीं समझ में आया तो ऐसे ही देख लो, इसके पास 5 में से 3 लड्डू थे, अब ये अपने 3 लड्डू में से 1/3 किसी और को दे रहा है। सर 3 लड्डू का 1/3 हो गया 1 लड्डू, तो देखो 1/5 किसी और को दे रहा है, यानी कि अपने शेयर में से 1/5 शेयर ये सीता को दे रहा है। तो ठीक है, इनके शेयर में से माइनस करेंगे बाद में, अभी पहले मोहन का भी देख, पहले इनका कैलकुलेट कर लेते हैं, राम का कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले मोहन का बाद में देखेंगे। राम का शेयर कितना था सर? 3/5 था। ये सरेंडर कितना किया 3/5 का? सर 3/5 का 1/5 जो है सीता को दे दिया, तो 3/5 में से 1/5 माइनस कर लो, 3 देख लेना, 5 5 नीचे का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डायरेक्टली माइनस कर लो, 3 - 1 = 2 और 5 5 5 रहेगा। मोहन का देख लो, मोहन का कितना था? 2/5 था। अब 2/5 का 1/2 1 1/2 1/2, तो 2/5 का 1/2 कितना हुआ? तो 1/5 हुआ, 2/5 का 1/2 1/5 हुआ। इसका मतलब मोहन अपने शेयर में से 1/5 किसको दे रहा है? जो आ रही है, कौन आ रही है? राधा आ रही है, उसको दे रहा है। ठीक, तो अब मोहन का शेयर कैलकुलेट कर लो, मोहन का शेयर कितना था सर? 2/5 था, 2/5 में से इसने 1/5 राधा को दे दिया, तो बचा कितना? कितना बचा भाई? देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली माइनस कर लो, 2 - 1 = 1, 5 5 5 बचा।
अब सीता का शेयर कितना हो गया, सर 1/5 सीता का हो गया। देखो लिखा ही था यहाँ पे, हमें नहीं लगता इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। ये देखो निकाला था ना हमने, कितना मिल रहा था 1/5 मिल रहा था। या अगर ऐसे देख लो, राम कितना दे रहा था सीता को, देखो 1/5 दे रहा था। मोहन कितना दे रहा था इसको, 1/5 दे रहा था। तो सीता का शेयर 1/5 हो गया, जो मोहन ने राधा को दिया 1/5 वो राधा का हो गया। डिनोमिनेटर सबके सेम है, 5 5 5 5, तो PSR हो गया 2:1:1:1, हमें नहीं लगता कोई समस्या होगी। ठीक, अब क्या करें सर, PSR तो कैलकुलेट हो गया। अब कहता है कि फर्म में ये जो प्रॉफिट है ना 360,000, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो। अच्छा, प्रॉफिट को सबसे पहले हम क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ रहता था उसको हम क्या करते थे सर, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट होता था ना उसको हम लोग सबसे पहले पता है क्या करते थे उसको सर, हम लोग सबसे पहले, बोलो भैया क्या करते थे, बोलो आप लोग बोलो, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बोलो सर। उस प्रॉफिट को सबसे पहले हम लाते थे एक अकाउंट में, जिस अकाउंट का नाम है क्या, आप लोग बताओ, जिस अकाउंट का नाम है PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद करो PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो जो नेट प्रॉफिट होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ लिखते थे कि नहीं लिखते थे? हाँ सर लिखते थे। तो पहले इसकी जर्नल एंट्री होनी है, पहले इसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट लाने की। तो क्या जर्नल एंट्री होगी आप बताओ जरा हमें, हमने बताया अगर इधर कुछ लिखते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू ये, अगर इधर लिखते हो तो ये अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो इसका मतलब सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ बिल्कुल सही है, हमने कब कहा गलत है, देखते हैं, देख लीजिएगा एंट्री पहली वाली क्या होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड 360,000 टू प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 360,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रॉफिट क्या होता था, अब ये प्रॉफिट सर बढ़ जाता था पार्टनर्स के बीच में। अब उस प्रॉफिट को क्या करें सर, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। चलो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, आखिर इधर ही तो लिखते थे ना, याद करो ये जो PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता था तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था तो इधर लिखते थे हम लोग सब, यहीं लिखते थे ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री देख लेना आप लोग, एंट्री देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल, मोहन कैपिटल, सीता कैपिटल, राधा कैपिटल। 360,000 किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो नया PSR आपने कैलकुलेट किया उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1:1:1। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। ठीक, PSR कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने अच्छे से, इसमें भी कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब बाकी ये तो देख ही लिया आपने, जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा इधर लिखते हैं PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर ये जो प्रॉफिट या लॉस रहता है इसमें से हम सारे अप्रोप्रिएशन का पेमेंट करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है वो पार्टनर्स में बढ़ जाता है। मगर यहाँ पे कोई भी प्रकार का अप्रोप्रिएशन था नहीं, तो सीधा हमने ये पैसा उठाया और पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड दूसरी वाली एंट्री टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पता होगा आप लोग को, अगर फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट बनता तो ये प्रॉफिट पूरा करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता, तो यहाँ कैपिटल की जगह हम करंट लिख देते। हमने पहले पढ़ चुका है ये सब, याद करो जब अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो बहुत ही अच्छे से हमने किया था। ठीक, हाँ सर जी समझ में आ गया, बस करिए इतना। अब अगले टॉपिक की ओर आप चलिए, अगला टॉपिक पढ़ाएं कि रहन दें, जैसा बोलो आप लोग, रहन दें आज के लिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में अब हम लोग अगला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करना हमें। ठीक, और कहीं भी पैसा ऐसा फूकने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन है आपके पास जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करना, हम बता देंगे आपको, अपलोड कर देंगे ऐसे ही सॉल्यूशन करा के। हमें नहीं लगता कोई समस्या होती होगी इस तरह से पढ़ाई करने में आप लोग को। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।